गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ खुशबू, और नेचुरल ब्यूटी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड, आज हम आपके लिए एक अमेजिंग रेमेडी लेकर आई हूँ। अगर आप झड़ते बालों से परेशान हैं, आपके बालों का ग्रोथ रुक गया है, या फिर आपके बाल ड्राई हो गया है, बेजान हो गया है, तो आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर यूज करें। केवल आपको अपने शैम्पू में 2 से 3 चीज़ ऐड करना है और आपको अपने बाल में शैम्पू करना है। यकीन मानिए, आपके झड़ते बालों के परेशानी ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों का तो बाल झड़ने का समस्या जेनेटिक होता है और कुछ ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। लेकिन अगर आपका अपने बालों का देखभाल न करने के कारण आपके बाल झड़ रहे हैं, ड्राई हो गया है, तो इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करें और आपके इस परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चावल ली हूँ, जो मेरे घर पे यूज होते हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, आप अपने बालों के लेंथ के मुताबिक ले सकते हैं। मेरे बाल का लेंथ ज़्यादा है तो मैं 3 चम्मच ली हूँ। और इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि इस चावल में जितने भी गंदगी जमे हो वो साफ़ हो जाएंगे। चावल के पानी में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा भरपूर होता है, जो आपके बालों के लेंथ के लिए फायदेमंद होता है। बालों को इसे धोने से आपके बाल पर एक लेयर सा जम जाता है, जो जिसे बालों का झड़ना रुक जाता है। इस पानी को आप 2 बार अच्छे से धो लें, क्योंकि इसमें जो भी गंदगी जमे होंगे ये हमारे बालों के लिए नुकसान करेगा, क्योंकि इसी में हमें शैम्पू मिलाकर अपने बालों को धोना है। तो इसे हम अच्छे से धो लेंगे और हम इसे फुल नाइट के लिए भिंगो के रख देंगे। आप चाहे तो 2 से 3 घंटा भी इसे भिंगो सकते हैं। और यहाँ पे मैं 1/2 कप पानी ऐड की हूँ। तो चलिए हम इसे सुबह में देखते हैं इसका रंग क्या। सुबह में इस चावल को देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, लग रहा है इसमें दूध मिक्स किया गया है। इसे हम चावल को छान लेंगे और पानी को अलग कर देंगे। इस पानी में हमें शैम्पू और एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। एलोवेरा जेल यूज करने से हमारे बाल में कंडीशनर का काम करता है, जिससे हमारे बाल सॉफ्ट और शाइन हो जाता है। यहाँ पे मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल ऐड करूँगी 1 चम्मच। आप चाहे तो प्लांट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे, मेरे पास प्लांट वाला नहीं है तो मैं यहाँ पे पतंजलि वाला ली हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें घुल जाए। एलोवेरा जेल घरेलू नुस्खों के लिए बहुत ही मायने रखता है, जिसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है और हमारे बालों में सॉफ्ट और शाइन प्रदान करता है। एलोवेरा जेल घरेलू नुस्खों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्रदान करता है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी हनी। हनी यहाँ पे मैं डाबर का ली हूँ, आप किसी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 चम्मच इसमें हनी मिक्स करेंगे। आप चाहे तो हनी को स्किप भी कर सकते हैं, ना हो तो मैं यहाँ पे हनी भी ऐड करूँगी। या फिर आपके बालों के लिए हनी सूट नहीं करता हो तो इसमें मिक्स ना कीजिएगा। और हाँ, आप किसी भी रेमेडी को अपनी स्किन या बाल पे यूज करने से पहले उसका पैच टेस्ट जरूर कर ले, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर रेमेडी हर इंसान में सूट करता ही हो। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, शैम्पू। शैम्पू आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो यूज करते हो, केवल पैराबिन नहीं होना चाहिए और केमिकल नहीं होना चाहिए उस शैम्पू में, क्योंकि ये शैम्पू आपके बालों के लिए नुकसान करता है।
मैं अपने बालों के लेंथ के अनुसार यहाँ पे शैम्पू ली हूँ। आप जितना शैम्पू यूज करते होंगे उतना शैम्पू ले सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए आपके झड़ते बालों को रोकेगा और बेजान ड्राई बाल को सॉफ्ट और शाइन बना देगा। इस रेमेडी को हफ्ते में आप 2 से 3 बार यूज करें, तभी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और कम से कम 1 महीना तक आप इसे यूज करें इसका फुल रिजल्ट देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तक मुझे मालूम है मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।